जी, सो टुडे आवर टॉपिक इज इनवर्स फंक्शन। या ये इवन व्हाट हैपेंड विद दिस, थैंक्स टू दिस। या वी आर डूइंग द फंक्शंस एंड दिस इज द लास्ट ऑफ टॉपिक एंड दैट वी टर्म दैट टॉपिक एज इनवर्स फंक्शन। ठीक है जी, इनवर्स फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? वी आर हैविंग अ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दैट हाउ कैन वी फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स, सबसे पहली बात तो ये है, वी रिप्रेजेंट इनवर्स विद दिस साइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ फंक्शन रिटन विद एफ एक्स, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में है, 2x+5, तो अगर ही आस्क्ड मी फॉर द इनवर्स फंक्शन, तो वो सिर्फ ये चीज़ लिख देगा दैट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप बाय स्टेप थिंग्स। बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को और भी बता दूँ, लाइक अगर जी एक्स का फंक्शन यहाँ गिवन है 3x-8, तो अब मुझे बताएं कि अगर जी इनवर्स एक्स उसने लिखना होगा, तो ही विल राइट विद अ नेगेटिव 1 पावर हियर और यहाँ पे 7x लिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पहली आइडेंटिफिकेशन का बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, दैट हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट ही इज आस्किंग। इफ़ यू गॉट दिस -1 थिंग विद द फंक्शन, इट मीन्स दैट इट इज़ एन इनवर्स। एंड टू फाइंड इनवर्स, वी आर हैविंग अ प्रॉपर मैथड हियर, जो 1 by 1 स्टेप से हम करके तो उसे फाइंड करेंगे। सो आई एम रेजिंग ऑल ऑफ द स्टफ। जी अच्छा, अब मेरे पास प्रॉपर फंक्शन गिवन है, आई हैव बिन गिवन विद एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+5। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+5। नाउ आई नीड टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। सो दीज आर द मैथड, दीज आर द स्टेप। The very first step is rewrite as y is equals to fx. तो ये जो मेरे पास एफ एक्स है, आई एम सपोजिंग दैट लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये सारे आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये मैंने सपोज कर लिया। नाउ आई नो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू y, तो इस एफ एक्स की जगह मैं y सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो y इज इक्वल्स टू 2x+5। अगेन आई एम रिपीटिंग, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आई नीड टू सपोज दैट वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है जी, अब एफ एक्स से मैं यहाँ से अपनी जान छुड़ा लूंगा, आई विल जस्ट राइट वाई इज इक्वल्स टू 2x+5। क्लियर, मेरा जो मेन फंक्शन था, इट्स चेंज इन टू दिस फॉर्मेट, वाई इज इक्वल्स टू 2x+5। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला मीन्स आई हैव टू लाइक लीव दिस एक्स अलोन। जिस तरह यहाँ वाई अकेला है ना, विद नो साइन, विद नो ऑपरेशन, आई नीड टू मेक दिस एक्स अलोन। तो अब नेक्स्ट मेरे सारे स्टेप्स एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाने के लिए होंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग अटैच विद एक्स इज +5। 5 यहाँ ऐड हो रहा है, तो वहाँ जाके डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y-5 इज इक्वल्स टू 2x। गॉट इट? Now, still x is attached with something, that is 2, and 2 is multiplying with x. It means that if I need to get rid of this 2, मैं इस 2 को वहाँ लेके जाके डिवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y-x/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है जी, नाउ वी मेड x द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमारा सेकेंड जो स्टेप था वो कम्प्लीट हो चुका है। अब थर्ड हमने क्या करना है, दैट वी हैव टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो वेर एवर वाई इज रिटन, आई नीड टू राइट इट एज एक्स। जो भी जहाँ पे भी वाई होगा, उसकी जगह मैंने एक्स लिख देना है। स्वैपिंग का मतलब यही है, दैट आई नीड टू स्वैप वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सो वेर एवर आई विल फाइंड वाई, वहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा, एंड वेर एवर आई विल फाइंड एक्स, आई नीड टू स्वैप इट विद द वैल्यू ऑफ वाई। क्लियर? थर्ड स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। किसी को ये तीनों स्टेप में से कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझे बताए। सर सभी, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। जी जी, इसमें एक्स इनपुट होगा, वाई इनपुट होगा, जी कौन इसका आंसर करेगा? व्हाट इज द इनपुट हियर? मैं बेसिक एफ एक्स की बात कर रहा हूं ना। मोहम्मदून, आप इस फंक्शन की बात करें ना, एफ एक्स? नहीं, मैं नीचे वाली बात, यहाँ पे बात करें, ये वाली, इस वाले स्टेप की।
यस इसमें दोनों का सर में सर। जी जी डेफिनेटली इट डिपेंड्स। यहाँ पे तो मैं एज एन आउटपुट अभी वाई को ले रहा हूँ और इनपुट मेरे पास एक्स होगा। मीन्स अगर मैं इस तरह लिखूँ वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव ओवर टू, सो माई इनपुट इज़ एक्स एंड माई आउटपुट इज़ वाई। मतलब फंक्शन के जो अंदर वाली चीज़ होगी मशीन में दैट इज़ विल बी रिप्रेजेंटेड बाई एक्स माइनस टू, माई एक्स विल बी इनपुट एंड माई आउटपुट विल बी वाई। दिस काइंड ऑफ लाइक दिस थिंग। सर या सर इसका मतलब है कि एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स जी जी बिल्कुल एफ ये इनवर्स होगा। एक्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी हमने लास्ट स्टेप करना है, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये क्वेश्चन वॉज दैट कि आप लोगों को यहाँ तक स्टेप समझ आए सारे। हम लोग बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक चले गए इनपुट एंड आउटपुट की कहानियों में। जी द क्वेश्चन वॉज आप लोगों को स्टेप समझ आ गए यहाँ पे। आगे अब लास्ट जो है हमारे पास टिल थर्ड स्टेप इट्स डन। नाउ द लास्ट स्टेप इज जो भी एक्सप्रेशन मेरे पास वाई की आएगी, ठीक है, मेरे पास जो भी, यस आई जस्ट हैव टू सब्सिट्यूट दैट वाई एज एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, वाई की जगह मैंने एफ इनवर्स एक्स लिख देना है और उसके बाद मेरे पास प्रॉपर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। ये हमारे पास चार स्टेप्स हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स और टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन। मोहम्मदून अब इसमें इनपुट क्या है मेरे पास? सर पता नहीं। एक्स है ना यार, देखो यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे मैं फंक्शन को ट्रीट करूँगा दैट द फंक्शन विच इज़ इनवर्स ऑफ एफ हैज़ एन हैविंग एन इनपुट ऑफ एक्स और उसके बाद जो भी यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा वो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आएगा एफ इनवर्स एक्स की तरह। एक्स मेरा इनपुट होगा और ये मेरे पास पूरी मशीन होगी एक्स माइनस फाइव ओवर टू की। ठीक है, यस अच्छा शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यस अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, हम दोबारा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सर या इनवर्स फंक्शन के दो मेथड थे ना, आपने एक बता दी है पहले पिछले क्लास में। दो मेथड, वो वाला जो मेथड हमने लास्ट टाइम किया था वो वाला मेथड मैं नहीं करा। आप लोग इसी मेथड पे रहें, वो हमारा फंक्शन मशीन के थ्रू था ना कि पहले हम स्ट्रेट जाना है फिर हमने रिवर्स आना है, तो रिवर्सिंग वाला हम लोग नहीं कर रहे इस दफ़ा। यही मेथड आप लोग जहन में रखें क्योंकि अब आप लोगों को बहुत जनरल फॉर द बेसिक्स था, अब आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी हैं चीज़ें, तो हम रिविजन कर रहे हैं। और आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड में IGCSE में यू हैव टू गो विद दिस मेथड। ठीक है, ओके। नाउ अगेन आई एम हैविंग अ प्रॉपर फंक्शन, आई नीड टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। सो फर्स्ट वॉज लेट वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड आई नो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो मैं इस एफ एक्स की जगह आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई। वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस थ्री। देन आई नीड टू मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला, तो वाई प्लस थ्री पहले होगा। मैं एक्स को सेपरेट कर रहा हूँ सारी चीज़ों से। दोबारा क्या हो जाएगा? वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, बिकॉज फोर वॉज मल्टीप्लाइंग किया, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री ओवर फोर आ गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आई नीड टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई। सो वेर एवर आई विल फाइंड वाई वो एक्स बन जाएगा एंड वेर एवर आई विल फाइंड एक्स वो वाई बन जाएगा। जो ये वाई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास एफ इनवर्स एक्स बन जाएगा। लास्ट जो हमारा स्टेप है, आई नीड टू सब्सिट्यूट वाई एज एफ इनवर्स एक्स, दैट इज एक्स प्लस थ्री ओवर फोर। सर सभी जी जी ज़रूरी तो नहीं हमारे पास एक्स और वाई सिर्फ वेरिएबल्स हों। जी जी जो भी वेरिएबल हो उस हिसाब से फंक्शन होगा, उसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता। सर थ्री वेरिएबल्स आ सकते हैं इस इक्वेशन में? नहीं, हम इनवर्सिंग सिर्फ दो वेरिएबल्स की पढ़ रहे हैं, थ्री नहीं हो होती है सकते। वैसे इनवर्सिंग होती तो है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स वे है, वो ए लेवल्स में आप लोग पढ़ेंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी उसका मेथड भी डिफरेंट आ जाएगा। अभी फिलहाल टू वेरिएबल्स का आप लोग पढ़ लेना, थ्री वेरिएबल्स तो मैं क्या कहूँ ऐसे। वी गॉट द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री ओवर फोर।
इसका टोटल आंसर 5 आएगा सॉल्व जी करके। अब डी पार्ट मैंने निकालना है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 17। जी क्या करना पड़ेगा एनीवन? सर इसमें इनपुट कर ले डायरेक्ट आप एफ इनवर्स यस एक्स की एफ इनवर्स आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 17। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 17 है तो राइट में भी 17, जहां पे भी एक्स होगा वो मैंने डालना। दैट इज 20/4 व्हिच इज इक्वल्स टू 5। तो एफ इनवर्स 17 इज इक्वल्स टू 5। आप लोग ने माइक म्यूट रखें, सिर्फ जब आंसर करना हो तब इसे अनम्यूट किया करें। ठीक है जी, क्लियर? यार प्लीज अनम्यूट योर दिस म्यूट योर माइक। सॉरी असवन साहब, यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं कह रहा हूँ माइक अपना म्यूट रखो। सर अभी खुला है सर, गलती से, सॉरी हाँ सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन। आप लोग ये फाइंड करें जरा आगे, फिर हम लोग मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आंसर आया। वी आर हैविंग अ प्रॉपर एक्स क्यूब नाउ हियर विद द 7, और यही आपने स्टेप्स फॉलो करने। सॉरी मेरा निकल गया एक्स क्यूब प्लस 7 वाला। नाइस, क्या आंसर आ रहा है एफ इनवर्स एक्स का? वाई माइनस 7 क्यूब रूट। व्हाट? क्यूब रूट के अंदर वाई माइनस 7। वाई तो आ ही नहीं सकता, ये तो एक्स का फंक्शन है। मतलब एक्स में क्या मतलब है सर? आई कैन नॉट राइट वाई हियर। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। किधर आगे की? सर आगे आगे की तो एक्स रिप्लेस होकर मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्स माइनस 7 क्यूब रूट जो होता। तुम नेक्स्ट उसकी स्टेप की बात कर रहे हो या एफ इनवर्स एक्स का आंसर दे रहे हो? इसका आंसर दे रहा हूँ सर, एफ इनवर्स एक्स की। दे आंसर, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू। सर तो एक्स और वाई को स्वैप करने के बाद आंसर बोला बोला आंसर दो। मोहम्मदून जाहिर बात है क्यूब रूट के अंदर एक्स माइनस 7। सर मेरा आ गया क्यूब रूट के अंदर एक्स माइनस 7, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, उसके बाद 2 आएगा। उसके बाद 2 आएगा। हुँ. अच्छा ओके, मींस द सेकंड पार्ट। जी ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया सारों से? यस सर। क्या आंसर आया? सर यही है। ओके बाकियों का भी आ गया, मैं ज़रा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट बॉयज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ एक्स क्यू प्लस 7, ठीक है? फिर उसके बाद वी नीड टू एक्चुअली मेक एक्स द सब्जेक्ट, सो वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये क्यूब रूट आ गया, सो द क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू एक्स। मोहम्मदून तो मैं भी खुद सॉल्व किया ये। सर मेंटल मैथ से हूँ। क्या किया? मेंटली किया सर मैंने। अच्छा ग्रेट, ये मेरे पास ही आंसर आ गया एफ इनवर्स एक्स का। वाई की जगह सिर्फ एफ इनवर्स एक्स लिख दूंगा। एंड देन द सेकंड वन इज 15। आई नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 15। तो 15 माइनस 7 क्यूब रूट, 15 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा जी 8 विद द क्यूब रूट, एंड क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन आ रही है किसी भी चीज़ में तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। लेकिन अभी अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर करेंगे दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी एफ इनवर्स और इनवर्स फंक्शन ऑफ एनी थिंग। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है। जी द फंक्शन एफ एंड जी आर सच दैट वी आर हैविंग द फंक्शंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 7 प्लस जी इनवर्स 9। इसमें क्या करना है जी? द वेरी फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स। मेरे पास तो एफ एक्स है ना, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स। सो वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, और वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स।
मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाया इन वन स्टेप में, आपको एलेबरेट करते हुए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा होंगे वो कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि क्या किया इसे। पहले वन मूव हुआ, वन के साथ पॉजिटिव था तो वन गो टू द लेफ्ट साइड विद द, सॉरी ये नेगेटिव होगा भाई, विद द नेगेटिव वन, ठीक है जी। वन विल मूव टू द लेफ्ट एंड साइड विद द नेगेटिव साइन, यहाँ इसके साथ पॉजिटिव था। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज माइनस टू इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग विद एक्स, यहाँ ये नहीं कंसिडर करवाना दैट टू इज एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग, नो, माइनस टू इज मल्टीप्लाइंग विद एक्स, सो वाई माइनस वन विल बी डिवाइडेड बाय माइनस टू, ठीक है। तो वाई माइनस वन ओवर माइनस टू, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू। अब हमने स्वैपिंग करनी है तो एक्स माइनस वन। सर आपसे एक बड़ा पूछूं? जी जी पूछें। सर अगर हम टू को उधर लेके जाने से पहले हम वाई को उधर ले जाते हैं, फिर टू को वापस लाकर दोनों के माइनस काट सकते थे हम। हम टू को उधर लेके जाने से क्या करें? टू को उधर लेके जाने से पहले ना हम वाई को ना लेकर जाते, सिर्फ माइनस मतलब वाई को ना लेके जाते, -1 डिवाइड बाय -2 हो जाता, फिर हम माइनस काट सकते थे ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताना, आप ये कह रहे हैं कि मैंने -1 को इधर ले आया, वाई को इधर ले गया, -y आ गया, यही कहना चाह रहे हैं? यस, -2 बहुत नीचे तो आ जाए। -2 नीचे आ सकता है जी, एनीवन? अच्छा वो ठीक नो है, हो नहीं सकता, आ सकता। नहीं आ सकता। अच्छा जी, सो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x, x माइनस वन ओवर नेगेटिव टू। अब मैंने g इनवर्स x निकालना है, तो g इनवर्स x मेरे पास y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 x हो जाएगा, सेम इज द केस y माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 x। अब टू यहाँ पॉजिटिवली वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो x माइनस वन ओवर टू विल बी माई वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स, क्लियर? जी एफ नहीं है, जी इनवर्स है, सॉरी, जी इनवर्स एक्स, ठीक है जी, क्लियर? अब मेरे जी इनवर्स भी आ गया एंड आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स ऑल्सो। अब मैंने ये वाली वैल्यूज फाइंड करनी है, एफ इनवर्स 7 कितना होगा? -7 -1 -6 -3 होगा। -3, एक्सेलेंट। आई जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट 7 हियर, तो 7 माइनस 1 इज 6 ओवर -2, सो 6 ओवर -2 इज -3। जी सर ये एक एफ में होगा सर, 6 माइनस 1 है तो -6 नहीं होगा, वो -3 नहीं। कौन सा, ये वाला? इशाल नहीं क्या? सर समझ आ गई, ओके सर समझ आ गई। ओके 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 अलीना, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? अलीना? जी सर। ओके अलीना, यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ जी इनवर्स 9। 4 सॉरी, जी क्या आंसर है इसका अलीना? आई कैंट लिसन यू लिटरली, द आंसर इज 4 बिकॉज आई नीड टू सब्स्टिट्यूट 9 माइनस 1 एंड देन आई हैव टू डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 जो है 4 आता है हमारे पास। ओके म्यूट योर माइक प्लीज, ठीक है जी। सो एफ इन वर्स 7 इज इक्वल्स टू -3, तो जहाँ पे भी अब मेरी ये इक्वेशन आ रही है, एफ इन वर्स 7 प्लस जी इन वर्स 9, ये मैंने इक्वेशन पूरी लिख ली यहाँ पर। अब आई नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ इन वर्स 7, दैट इज -3, और वट इज़ द वैल्यू ऑफ जी इन वर्स 9, दैट इज 4, तो द आंसर इज 1, तो मेरे पास 1 आंसर आएगा इसका, क्लियर? नाउ वी नीड टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एक्स प्लस जी इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। नाउ एफ इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू है मेरे पास? एक्स माइनस वन ओवर माइनस टू, प्लस जी इनवर्स की क्या है? ये मेरे पास वैल्यू है जी इनवर्स की, एक्स माइनस वन ओवर टू। इससे मैंने प्रूव करना है दैट इफ़ आई एड दीज थिंग्स द आंसर इज 0, तो ये 0 आ जाएगा आंसर।
It's like quite simple. One is with the negative one and the other one is with the positive one. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? Cancel out. यही बात है ना? Well, I'm giving you an example. If there is 1 over negative 2, तो इसका मतलब होता है कि this negative is in the middle. हम इसे mid में लिख सकते हैं. It's exactly equals to minus 1 over 2. ठीक है? If we are having x over negative 6, तो ये negatives दरमियान में आ जाता है. तो x over 6 और यहाँ negative आ जाएगा. ठीक है? Same is the case here. We are having x negative 1 over negative 2 था ना? इस नेगेटिव टू का मतलब है कि नेगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है तो अब इफ़ दिस इज़ नेगेटिव एंड वी हैव टू ऐड इट विद द सेम टर्म तो हमारे पास क्या होगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे दिस इज विद द नेगेटिव दिस वन इज द पॉजिटिव वन ठीक है सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ किसी को कोई प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन है प्लीज़ यू कैन आस्क द क्वेश्चन ओके ग्रेट Now we're having two acts here. अगर इस तरह की equations मेरे पास आ जाती हैं तो मैंने उसको किस तरह सॉल्व करना है मेरा पहला स्टेप बिल्कुल सेम होगा y is equals to x over x plus 2. This will be my first step. Now the next one is definitely I need to make x the subject. So y x plus 2 यहाँ divide हो रहा है वहाँ पे पूरा जाके multiply हो जाएगा y into x plus 2 is equals to x. ठीक है Now I have to expand this thing. This will be xy plus 2y. Y will multiply with the first term and y will multiply it with the second term. So xy plus 2y is equals to x. ठीक है जी? Clear? I hope the things are clear. यहाँ कोई problem नहीं होगा. मैंने अपना target क्या रखना है आपने? You have to make x the subject. ठीक है जी? Now you have to actually arrange these this equation. X को आपने एक जगह रखना है x y यहाँ पे x था with the positive sign तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा minus और ये 2y यहाँ पे add हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा subtract. Clear? 2y is adding here. It will go there with the subtraction sign. Now I need to take x common from my left hand side. So x common है y minus 1. Is equals to minus 2y. ठीक है जी नाउ x इज मल्टीप्लाइंग विद y माइनस 1 तो y माइनस 1 मान जाके डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1. x को मैंने सब्जेक्ट बना लिया जी द टारगेट इज अचीव द सेकेंड वन किसी को यहाँ तक ना समझ आई हो कि क्या किया है मैंने मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सपेंशन की है देखें Here I expanded all of the brackets. X को फिर एक जगह लेकर आया हूँ. All of the x terms are here. Now I actually take common x and I got y minus 1 inside the bracket. Now the x and y minus 1 they both are multiplying. Y minus 1 मान जाके क्या हो जाएगा? Divide. ठीक है? So x is equals to negative 2y over y minus 1. Now the third step, I need to swap the values of x and y. This will become y is equals to minus 2x over x minus 1. ठीक है जी? This y is actually representing my inverse function. That is f inverse x is equals to minus 2x over x minus 1. So this will be my answer. I hope the things are clear. Maybe I'm having one more question. नहीं, जी ये आप लोग खुद करें जरा मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग क्वेश्चन लिख लें मैं पिछली स्लाइड पे फिर ले जाता हूँ ताकि आप लोग वहां से स्टेप्स देख लें कि क्या किया था मैंने जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन F inverse x find करेंगे जल्दी से सर एक 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 सेकंड के लिए आगे वाले स्लाइड खोल दें सर हो गया
डन। ओके, व्हाट इज द आंसर? 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। F inverse x, 3 divided by x minus 2. Okay, we are waiting for the सो जी. यही आंसर है, ओके मेरा भी यही आंसर है। ओके ओके ओके, बाकियों को भी थोड़ा टाइम देते हैं. तो मेरा भी यही आ गया। ओके गुड. मोहम्मदून, आई थिंक जी ही सर, जी, आपका आंसर नहीं है अभी तक? क्या यही आंसर? ओके जी, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? कौन कौन है हमारे साथ मीटिंग में? हसीब साहब, यही आ रहा। ओके हसीब, हूरिया, कमाल, सारों के ये आंसर्स आ रहे हैं. Having a look. यस सर, अच्छा मैं जरा यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ. द फर्स्ट स्टेप इज वाई इज इक्वल्स टू 2x+3 over x. एक्स विल गो देयर विद द मल्टीप्लीकेशन साइन. एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2x+3. अब ये एक्स वाली टर्म वहाँ चली जाएगी. -2x = 3. अब यहाँ पे क्या होगा जी? एक्स, आई विल टेक एक्स कॉमन, तो ये आ जाएगा वाई -2 over is equals to 3. अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो डेफिनेटली y माइनस टू को आई हैव टू शिफ्ट शिफ्ट किया 3 over y-2. नाउ आई नीड टू स्वैप द वैल्यूज, तो ये मेरे पास हो जाएगा y एंड हियर आई गेट 3 over x-2. ठीक है जी? सो वट एवर वाई आई एम गेटिंग एट द वेरी लास्ट, दैट इज माई एफ इनवर्स x, विच इज इक्वल टू 3 over x-2. सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर. अच्छा, अब हम लोग ज़रा पास्ट पेपर्स के उन क्वेश्चंस पे आते हैं जिनमें कन्फ्यूजन जनरेट होती है. मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा. जो उस दिन रोहिदा वॉज आस्किंग द क्वेश्चन के सर इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं डिस्कार्ड और हम जाते हैं ज़रा पास्ट पेपर्स पे. ओके सो वी आर हैविंग अ टॉपिकल्स हियर. यहाँ पे मेरे पास फंक्शंस के, चैप्टर जी खत्म हो गया। जी चैप्टर खत्म हो गया. अच्छा एक मिनट टेस्ट सर. में कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं जी, इसकी कोई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होती. मुझे एक मिनट वो क्वेश्चन ढूंढने दें जो उस टाइप का मुश्किल आ सकता है. वी आर हैविंग विद द पावर्स ऑफ थिंग्स. या दिस वन. अच्छा आई एम जस्ट जूमिंग. ये ज़रा आप लोग क्वेश्चन देखिएगा कहाँ चले गया भाई. आई होप द स्क्रीन इज विजिबल. एच एक्स की वैल्यू देखें, वी आर हैविंग 1/2 raised to the power x. ठीक है, अब ज़रा मैं नीचे आ रहा हूँ. ये आप ज़रा एच एक्स की वैल्यू लिख लेना कहीं पे, नोट डाउन करें ज़रा. नीचे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ. वी आर हैविंग अ क्वेश्चन हियर. देखें जी, डी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एच एक्स इज इक्वल्स टू 8. ठीक है जी, एक मिनट यार. इसे हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, हम लोग कॉपी तो नहीं कर सकते. तो इसका तो फिर 1/2 raised to the power 8 हो जाएगा ना? जी, एक मिनट मैं यहाँ पे ज़रा वैल्यू लिखता हूँ. वी यूज दिस स्लाइड. मेरे पास एच एक्स की वैल्यू क्या थी? एनी वन? 1/2 raised to the power जी, 1/2 raised to the power x. ठीक है जी. नाउ आई नीड टू फाइंड व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एक्स. उसने क्या, 8 जब एच एक्स 8 होगा मेरे ख्याल से, है ना? तो मैंने, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो हम लोग क्या करते थे, वी एक्चुअली सब्सिट्यूटेड 1/2, जो भी एच एक्स का यहाँ पे आता था, 1/2 raised to the power x इज इक्वल्स टू 8. ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.5 raised to the power x लिख सकता हूँ. 0.5 raised to the power x इज इक्वल्स टू 8. अब यहाँ पे आके हम लोग फंस जाते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स.
तो मैंने आपको बताया था दैट इट्स अ प्रॉपर वे ऑन ऑन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़. वो मैं आपको तरीका आज बता देता हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी इसे जहन में रखना है. वेल बेसिकली हम लोग इसे लॉगारिथम से करते हैं जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है. ये वाली इक्वेशन जी याद रखिएगा, 0.5 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 8. आई एम क्लोजिंग दिस प्रेजेंटेशन, इसे हम लोग कर देते हैं डिस्कार्ड. अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा साइंटिफिक कैलकुलेटर, यहाँ पे आई डाउनलोडेड वन टुडे, या दिस वन जी. ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है. क्या मेरे पास थी जी, इक्वेशन क्या थी, मैंने उस हिसाब से लिखना है. 0.5 ओके, आई जस्ट यूज द फर्स्ट ब्रैकेट, 0.5 ब्रैकेट क्लोज, नाउ रेज टू द पावर एक्स. सो आई विल प्रेस एल्फा एक्स, ठीक है जी. देन आई हैव टू प्रेस दिस बटन, क्योंकि यहाँ पे वो इज इक्वल्स टू लिख देगा. अब मैंने प्रॉपर इक्वेशन बनानी है, तो इज इक्वल्स टू, ये देखें आपको ये वाला बटन नज़र आ रहा होगा. आई होप मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ, वैसे नहीं हो सकता बड़ा. ये इज इक्वल्स टू का है साइन, मीन्स अगर इफ आई प्रेस एल्फा तो आई गॉट इज इक्वल्स टू. अगर यहाँ से मैं ये वाला इज इक्वल्स टू प्रेस करूँगा तो वो प्रॉपर एक यहाँ सिंटैक्स एरर या उसका कोई नाम दे देगा, या फिर कोई अपनी वैल्यू जनरेट कर देगा विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो आई हैव टू प्रेस कौन सा एल्फा, एक्स सॉरी कौन सा इक्वल्स ये देखें एल्फा कौन सा एल्फा, एंड वी आर हैविंग द वेरी फर्स्ट बटन, यू आर हैविंग सॉल्व एंड देन रेडिश एक इक्वल्स टू बना हुआ है यहाँ पे. अपने कैलकुलेटर्स आप लोग हाथ में रखें ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा. ठीक है जी, सो वी आर हैविंग इक्वल्स टू हियर. अब मेरा आगे क्या आंसर आ रहा था जी, 8 आ रहा था. यस 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 सर जी सर, इज इक्वल्स टू 8. ये पूरी इक्वेशन मैंने लिख दी. अब मैंने ये वाला इज इक्वल्स टू प्रेस नहीं करना, माइंड दिस थिंग. आई हैव टू प्रेस शिफ्ट, और ये लिखा हुआ है सॉल्व. बेसिकली आई एम सॉल्विंग फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैंने इसको प्रेस करना है. अब क्या आंसर आ रहा है जी मेरे पास, -3. आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग द आंसर -3. सर सभी जी, आपने हमें कोई और तरीका भी तो बताया था जो मतलब लिखने वगैरह से होता, कैलकुलेटर के बगैर होता, वो किसने? यार वो गेसिंग होते हैं कि हम मैं एक्स की वैल्यू डिफरेंट पुट करता जाऊं और मुझे उसके बाद वैल्यूज पता चलें. तो लास्ट टाइम भी मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने यही आपको तरीका बताया था, लेकिन उस टाइम मसला यह था कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं था. तो अभी आई एम हैविंग अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर, तो वहाँ से आप लोगों को बड़ा क्लियरली ये चीज़ समझ आ रही होगी कि कौन कौन से बटन प्रेस करने. दूसरा तरीका लॉगरिथम्स का है, और जो मैंने शायद लास्ट टाइम वो कह रहे हैं फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स. व्हाट, नहीं इज इक्वल्स टू, आपने ये वाला प्रेस किया है, सॉल्व वाला प्रेस किया. यस, किसका -3 आया, किस किस का -3 आया, बस मुझे वो बताएं. मेरा मेरा ओके okay, जिन जिन का आया वो क्लास लीव कर दें, द टाइम इज अप. जिन जिन का नहीं आया वो यहीं बैठे रहे. रिनाद क्या मसला है तुम्हारा? सर 0.5 रेज टू पावर एक्स फिर इज इक्वल्स टू अल्फा सॉल्व दबाया है इज इक्वल्स टू 8, तो फॉल्स आ रहा है. इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है. मुझे तो नहीं लगता फॉल्स आएगा, यही वाले इक्वल्स टू दबाएं. सर एक मिनट में दोबारा ट्राई कर देखें, ऊपर डिग्री और मैथ लिखा हुआ होना चाहिए. इट मस्ट बी डी एंड मैथ जी. सर आप रिपीट कर सकते हैं कि क्या लिखना है? सॉरी जीरो है तो फिर इक्वल टू. क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ आ सर? रही. हाँ सर, इसमें कुछ कुछ कैलकुलेटर्स में ना जीरो आता है, कोई और नंबर आ जाता है, उसके बाद हमें फिर से बॉटम राइट कॉर्नर वाला इक्वल्स दबाना होता है, तो फिर आंसर आता है फिर जी. से कुछ कैलकुलेटर्स में बिल्कुल वो सही कह रहे हैं दैट यू आर हैविंग अ डिफरेंट आंसर, तो आप लोगों ने उसके बाद ये वाला इक्वल दबाना है तो यू विल गेट अ वैल्यू. कुछ कैलकुलेटर्स में डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है आपके पास -3 की. अब आपको पता कुछ किस तरह चलेगा, जो कैलकुलेटर ने मुझे पहली वैल्यू दी है वो ठीक भी है कि गलत है. आपने ये एक्स की वैल्यू अपने प्रॉपर इक्वेशन में पुट करनी है, और आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. मीन मेरे पास इक्वेशन थी 0.5 ना, 0.5 रेज टू द पावर एक्स, रेज टू द पावर एक्स मेरे पास बनेगा
क्या बनेगा जी? यस सर, आंसर आ गया मेरा, पहले 0 आया था, -3 आ गया, रुके जी, जाना। तो अब 0.5 की रेज टू द पावर -3 करूंगा तो मेरे पास देखें आंसर आएगा। वो सोचना शुरू हो गया। देखें जी यहां पे इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 8। एक्स की वैल्यू क्या चूज की है, -3। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, 0.5 रेज टू द पावर -3। देसी तरीके से आंसर नज़र आ रहा है आपको, इट्स 8। तो हमारी इक्वेशन में भी यही है। वेल एनी वेज, आप लोग दूसरी क्लास ज्वाइन करें, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। रिनाद तुम्हारा है सही? सर रेज टू द पावर कैसे करते हैं? यहाँ पे है रेज टू द पावर का बटन, ये वाला नज़र आ रहा है। यस सुनता हूँ, ये पूरी इक्वेशन अपने कैलकुलेटर पे लिखते हैं। सॉरी, 0.5 रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू 8 है, ये हम अपने कैलकुलेटर पे लिख दें तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे किस तरह लिखोगे? सर जैसे अभी आपने दिखाया है, 0.5 रेस टू पावर एक्स अल्फा, ये जी, तो मैं उसी तरह कह रहा हूँ ना, कैलकुलेटर पे लिखने तो आंसर आ जाएगा, और यही आपने आंसर लिख देना है वहां पे -3। मेरा सिंटैक्स एरर आ रहा है, कहीं कहीं 0 आ रहा है। सिंटैक्स एरर आपका इसलिए आ रहा होगा कि आपने इज इक्वल्स टू या कोई और चीज़ दबाई होगी। देखें, यू हैव टू प्रेस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये वाला जो है, और फिर उसके बाद आपने लास्ट में इज इक्वल्स टू नहीं दबाना। देखें मेरी बात सुने, यू डोंट हैव टू प्रेस इज इक्वल्स टू एट द वेरी लास्ट, यू हैव टू प्रेस सॉल्व। ये जो सॉल्व शिफ्ट और सॉल्व का नहीं है, वो आपने प्रेस करना है। मीन्स 0.5 रेज टू द पावर एक्स आ रहा था, से ब्रैकेट्स में करना पड़ेगा। देखिए आप दोबारा से कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मुझे बताएं। अगर आंसर आ रहा है तो यू कैन लीव द क्लास। सर सभी हम अलावा कोई और यूज कर सकते हैं, एम वगैरह? जी, यूज कर सकते हैं, करें करें जी। एम सर आपसे मैंने दो बातें पूछनी है। तुम कॉल पे पूछ लेना, अभी फजूल बात यहाँ नहीं करनी कोई भी। नहीं सर, आपने कहा था ऑक्टेन पूछ लेना। क्या पूछ लेना? आपने कहा था लेक्चर के एंड में पूछ लेना। ये लेक्चर्स के हवाले से ही हैं बातें, मैथ्स के हिसाब से। जी, पूछें। द क्लास टाइम इज ओवर ना मोहम्मदून, यू हैव टू जॉइन द नेक्स्ट वन। सर ब्रेक है वैसे। सर सभी, अच्छा ब्रेक है, फिर देन इट्स ओके। जी एक मिनट, रेनाद जी बताएं आप क्या मसला है। सर आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? यस आ रही होगी। सर मुझे बताएं इधर सॉल्व इज इक्वल्स टू किधर है, मुझे नहीं मिल रहा। थोड़ा ज़रा साइड पे करो कैलकुलेटर। माय गॉड, काइंड ऑफ अ ब्लरी थिंग। एक मिनट, नीचे लेके जाओ, नीचे जीरो के पास जो नीचे वाले बटन हैं, यहाँ देखो सॉल्व नहीं लिखा, कहीं सॉल्व नहीं लिखा हुआ। नो सर, मेरा भी सेम है, सॉल्व कहीं नहीं लिखा हुआ। तो भाई तुम जाओ, अच्छा फिर मैं बताता हूँ, आप लोग जाएं राजा बाजार, और ये पर्टिकुलर जो कैलकुलेटर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है वो वाला ख़रीदें। सॉल्व का बटन लाजमी होना चाहिए भाई। तो मैं क्लास में होता तो मैं अब देखता इस कैलकुलेटर को क्या कर, मेरे पास सारे कैलकुलेटर हैं, सब में सॉल्व का बटन आ रहा है, पता नहीं ये तुम्हारा कौन सा मॉडल है। वेल एनी वेज जी मोहम्मदून, क्वेश्चन पूछें तो बाकी यू कैन लीव द क्लास। सर ग्लिच इन मैट्रिक्स क्या होता है? क्या ग्लिच इन मैट्रिक्स क्या होता है? ग्लिच इन मैट्रिक्स? यस आई डोंट नो सर, सच में नहीं पता है। नहीं बोलूं, मुझे लिटरली पहली दफा नाम सुना है मैंने। अच्छा तो मैंने इसीलिए कहा था जस्ट। हाँ सुभान अल्लाह, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन तुम क्यों पूछते हो भाई? इसी मैंने एक टर्म पढ़ी, मैंने सोचा था क्या। कहाँ पढ़ी है तुमने? उसका कोई बैकग्राउंड दिखाओ मुझे। आपको सेंड कर दूंगा पिक्चर की। जी जी भेजें भेजें, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। Thank you.